YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है, अपन कंटिन्यू समाजशास्त्र सब्जेक्ट है वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज आपके लिए मैं फिर से एक नई क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। इस नई क्लास को अपन शानदार तरीके से करेंगे और शानदार अपना इस बार रिजल्ट रहना चाहिए। समाजशास्त्र सब्जेक्ट में इस बार अपन 100 में से 100 लेके आएंगे। तो बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, बहुत ही शानदार पार्ट है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें। बात करें समाजशास्त्र 331 बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी पार्ट नंबर 2 मूलभूत अवधारणाएं। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे समाज, समुदाय, समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, संस्था, समिति, मानदंड एवं मूल्य। ये टॉपिक अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। बात करते हैं फर्स्ट में अपन, आपने आपको पता है समाज नाम अपन ने देखा है, तो समाज के बारे में बात करेंगे। समाज आपने पहले ही पढ़ा है और आज भी समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज का अर्थ तथा परिभाषा, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी समाज के बारे में बहुत सी चर्चाएँ की थी, बहुत सी बातें की थी। समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक अवधारणा है। जब असंख्य सामाजिक संबंध का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्य द्वारा व्यवस्थित में बदला जाता है तो उसे समाज कहते हैं। ग्रिडिक्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंध का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर जुड़े हुए या संबंधी है। वोकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा विभागों के मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की एक जटिल व्यवस्था है। इसे सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, यानी जो अपने सदैव परिवर्तनशील जटिलता है उसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब आपको पता है समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। समाज के आधार बहुत से हैं, बहुत से तत्व हैं, उन पे बात करें। समाज में अनेक सी रीतियाँ होती है, समाज में अनेक कार्य प्रणालियाँ होती है, अलग अलग समाज की अलग अलग कार्य प्रणाली होती है, अलग अलग अधिकार होते हैं समाज के, पारस्परिक सहायता भी अलग अलग होती है, समूह अलग अलग होते हैं, अलग अलग विभागों में बांटा गया समाज, मानव व्यवहार का नियंत्रण अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक व्यवहार है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और एक व्यवहार एक समाज के अंदर व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी पाई जाती है। अब समाज के लिए आवश्यक तत्व भी अलग अलग है। एक तो यानी समाज में 3 बातों का होना बहुत ही आवश्यक है, व्यक्तियों की बहुलता और सामाजिक संबंधों का और सामाजिक अंत क्रियाओं का। समाज का अपना जीवन का एक तरीका होता है, समाज में अपना जीवन का एक तरीका होता है जिसे संस्था कहते हैं या जिसे संस्कृति कहते हैं, यानी जो रीति रिवाज है उसे। इस दृष्टि से समाज को उसके प्रमुख संस्थाओं, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि के रूप में परिभाषित किया सकता है। समाज की विशेषताओं में बात करें, समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे पारस्परिक जागरूकता, अमूर्तता, समाज की समानता, असमानता, सहयोग व संघर्ष। समाज में कई चीज़ें ऐसी होती है उसमें अपन देखते आए हैं और कई अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं वो अपन देख रहे हैं, और समाज में अनियोनियंत्रित पर आधारितता, और समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, समाज और समाज, एक समाज का अर्थ, ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार है, जैसे भारतीय समाज में मुस्लिम समाज। यानी समाज का अर्थ एक समाज का है अर्थ जिसे व्यक्तियों के समूह से जो सामान्य जीवन में भागीदार है, जैसे भारतीय समाज में मुस्लिम समाज। एक समाज शब्द का प्रयोग सीमित समय के लिए भी किया जा सकता है, जैसे वैश्विक समाज, बहुवीय समाज। एक समाज शब्द का सामान्य जीवन, विधा या संस्कृति का बोध होता है। एक समाज के सदस्यों में समानता या सजगता की चेतना पाई जाती है। ट्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। एक समाज की विशेषता, यह व्यक्तियों का एक समूह होता है, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलाप
में चेतना का रूप भाग लेते हैं। ये सामाजिक संबंध और व्यवहार जीवन विधा या सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य समाज के अंतर्गत आने वाले समूह में भिन्न होता है। अब बात करें साथियों, अपन पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक टॉपिक और है, ये एक समाज में समाज में अंतर, एक समाज और समाज में अंतर क्या होता है। समाज सामाजिक संबंध की जटिल व्यवस्था है, यह बात अपने पहले ही पढ़ी है और आज भी पढ़ रहे हैं। एक समाज व्यक्तियों का क्या समूह है, यह भी बात अपने पढ़ी है। एक समाज एक व्यक्तियों का समूह है। समाज अमृत है जबकि एक समाज मृत भी है, ठीक है। समाज जटिल व्यवस्था जबकि समाज एक सरल संगठन भी है। समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, एक समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। अब बात करें साथियों, उत्तरदायित्व समाज में असीमित लेकिन एक समाज में सीमित होता है। समाज का आकार की दृष्टि से एक समाज में सीमित होता है। समाज में व्यवहार वगत विभिन्नता होती है, एक समाज में समानता। समाज के प्रकार, समाज के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से है, यानी बात करें समाज का परंपरागत एवं मुक्त समाज है, आदिम समाज और संभव समाज, सरल समाज और जटिल समाज। कार्ल मार्क्स में समाज का वर्गीकरण बात करें तो छः भागों में वर्गीकृत किया गया था, छः भागों में वर्गीकृत किया था। अब आपको पता है मार्क्स के अनुसार आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, समतावादी समाज, पूंजीवादी, समाजवादी समाज, यानी कि छः भागों में विभक्त किया था। टोनेज का वर्गीकरण, टोनेज के सामाजिक संबंध प्राकृतिक आधार पर समाज को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। तो दो वर्गीकृत करने वाले मुख्य नाम ये है आपके सामने। पहली बात पे तो ग्रेमेना सेफ्ट तथा ग्रेसलेस ग्रेस सफ्ट, ये दो नाम है। अब बात करें समुदाय की, समुदाय क्या क्या होता है। समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा, समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम भावना या समुदाय भावना पाई जाती है। अब बात करें समुदाय के आवश्यक तत्व, समुदाय के आवश्यक तत्व तीन होते हैं। एक तो व्यक्तियों का एक समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय की भावना, ये बात अपने पहले ही पढ़ी थी। समुदाय की विशेषता आपने पढ़ी है अभी, जो पहले पढ़ी थी वही विशेषता इसमें लिखनी है। फिर समुदाय के प्रकार तीन होते हैं, तो यानी समुदाय ग्राम में भी रहता है, नगर में भी रहता है, लघु समुदाय भी होते हैं और जनजाति समुदाय भी और क्षेत्र में। सीमा और समुदाय इसमें जाति, जल, पड़ोसी परिवार आदि लोग आते हैं। समुदाय और समाज में अंतर, समुदाय और समाज में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समाज सामाजिक संबंध का जाल है। समुदाय मूर्त है और समाज अमृत है। समाज निश्चित भूभाग वाला है, समाज अनिश्चित भूभाग वाला है, यानी ये बात अपने पहले पढ़ ली थी, वही बात इस प्रश्न में आप लिखनी है। सामाजिक समूह, अब ये परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में छपने की संभावना पूरी पूरी है, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। जिस समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रीतिप्रिय सामान्य उद्देश्यों या लाभों की पूर्ति हेतु परस्पर संबंधों की स्थापना करते हैं और अपने परिवार द्वारा दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उससे सामाजिक समूह की संज्ञा दी जा सकती है। मेटेन के सामाजिक समूह को निम्न तत्व बताए हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, कुछ सीमा तक स्थायी एक बार बार होना वाला सामाजिक अंतर्क्रिया। समूह सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने तथा बाहर के लोग उन्हें उसे समूह का सदस्य माने। सामाजिक समूह की विशेषताएं, सामाजिक समूह की विशेषता जो आपने पहले पढ़ी थी वही सामाजिक समूह की विशेषता इसमें लिखनी है। सामाजिक समूह का वर्गीकरण आपने पहले पढ़ा था, वही वर्गीकरण ये अब है, तो इनको आप बार बार पढ़ सकते हो और अनेक क्वेश्चनों में ये प्रश्न आप लिख सकते हो। अब प्राथमिक समूह का अर्थ, चार्ल्स कुले ने सन 1909 में अपनी कृति सामाजिक संगठन प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग किया। प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूह से है जिनमें आमने सामने का प्रत्यक्ष अनौपचारिक घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। इनके सदस्य में हम की भावना पाई जाती है। कुल ने तीन प्राथमिक समूह का उल्लेख किया है, परिवार, खुले साथियों का समूह या कीड़ा समूह तथा पड़ोसी। प्राथमिक समूह की भी विशेषता अलग अलग होती है।
अभी आपने पहले दो विशेषताएं पढ़ी थी, वही विशेषता इसमें लिखनी है। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता ये आपने पहले नहीं पढ़ी है। तो अब देखेंगे लक्ष्य में सदृशता, संबंध साध्य होता है, संबंध व्यक्तिगत होता है, संबंध सर्वांगीण होता है, संबंध स्वेत होता है, यानी ये बातें अपने नहीं पढ़ी थी। तो ये अपन बातें ये पढ़ चुके हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेना। अप्राथमिक समूह की प्राथमिक कहे जाने के कारण, प्राथमिक समूह में निम्नलिखित कारणों से प्राथमिक कहा जाता है, यानी ये बातें अपने पहले पढ़ ली है, वही अब इसमें लिखनी है। द्वितीयक समूह का अर्थ, द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध अवयव तक हेतु प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, ये द्वितीय समूह के अर्थ कहलाते हैं। अब द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के आकार बड़े होते हैं, इनमें घनिष्ठ अभाव पाया जाता है तथा इनमें प्राथमिक समूह की विपरीत विशेषताएँ पाई जाती है, यानी अलग अलग विशेषताएँ पाई जाती है। द्वितीयक समूह की विशेषता भी अलग अलग, जैसे बात करें बड़ा आकार होता है इनका, उद्देश्य की विशेषीकरण होता है, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंध का अभाव होता है, उद्देश्य की भिन्नता, औपचारिक इच्छा से स्थापित। अप्राथमिक द्वितीयक समूह है, प्राथमिक व द्वितीयक समूह। अब बात करें अंतर प्राथमिक या द्वितीयक समूह की विशेषता पूर्णतः एक दूसरे की विपरीत होती है, इन्हें निम्न आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। छोटा बनाम बड़ा आकार, यानी अलग अलग विशेषता है, वो अपन जानेंगे। इनमें से मैं आपको कहना चाहता हूँ विशेषताएँ बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो आपको जो जो अच्छी लगे वो विशेषता याद कर लेना, कम से कम पांच विशेषता आप याद कर लेना। मेरे अनुसार आपको बताऊँ तो पांच विशेषता आपके लिए बहुत ही सरल है, वो याद कर लेना आप, वो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगी। एक तो सामूहिक हित व व्यक्तिगत हित, प्राचीनता का अंतर, एक प्राथमिक संबंध बनाम द्वितीयक संबंध ये याद कर लो, एक सामाजिकरण बनाम विशेषीकरण, अनिवार्य बनाम ऐच्छिक सदस्य, यानी ये मेन चीज़ें आप याद कर लेना, पांच बहुत है। अब समूह संदर्भ समूह की अवधारणा, यानी ये इनमें अवधारणा आप याद करना, इनके सन सर्वप्रथम आपको याद करनी है। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान के हाइमेन द्वारा 1947 में किया गया। समाजशास्त्र में इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्र रोबोट के मेटन को दिया गया। ये आपको मेन चीज़ें वो पढ़नी है। अब बात करें परिस्थिति की भूमिका या परिस्थिति का अर्थ, ये चीज़ मेन है। परिस्थिति व्यक्ति समूह अथवा समाज में पद के सूचक है, ये पद की व्यक्तियों को समाज द्वारा स्वयं ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुण एवं योग्यता के आधार पर पा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियों की तुलना में ही होती है, अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं हो सकती। परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकार एवं कर्तव्यों का परिचालक है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ सामाजिक नियम, मूल्य, मानदंड जुड़े होते हैं जिनका पालन करना होता है। एक व्यक्ति समाज में ही एक साथ अनेक परिस्थितियों का प्राप्त करता है, किंतु यह किसी एक ही प्रमुख परिस्थितियों के द्वारा समाज में जाना जाता है। परिस्थिति और भूमिका में अवश्य तत्व देखो इसके कुछ अलग है। परिस्थिति और भूमिका निर्धारण समाज के सांस्कृतिक कारणों मूल्य के द्वारा होता है। परिस्थिति भूमिका अवधारणा को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक ही परिस्थिति की भूमिका निर्माण अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने ढंग से किया जाता है। प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका व्यक्तियों के संपूर्ण सामाजिक पद का एक भाग ही होता है। प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका के आधार संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न थे, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्यों की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, लेकिन वह सभी का निर्माण सम्मान, योग्यता व कौशलता के साथ नहीं कर सकता है। कुछ निम्न परिस्थितियों के कारण सामाजिक संस्थितिकरण और विभिधिकरण पैदा होता है। समाज में कुछ परिस्थितियाँ प्रदत्त होती तथा कुछ अर्जित होती हैं। परिस्थितियों का संगठन, परिस्थितियों का संबंध में कुछ अवधारणाएं। परिस्थितियों का संगठन को समझने के लिए किंगशेल ड्रेविस ने परिस्थिति संबंध निम्न अवधारणा का उल्लेख किया। ऑफिस अर्जित परिस्थिति होती है, जिसका ज्ञान थोड़े ही व्यक्तियों का होता है। ऑफिस किसी औपचारिक संगठन या जानबूझकर बनाया गया पद है जिस पर
सीमित तथा विशेष नियमों का अधिकार नियंत्रण होता है। यह पद प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया जाता है। यह विशेष परिस्थिति का सूचक है। स्थिति संकुल, एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियों का ऑफिस प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त इन विभिन्न परिस्थितियों को ऑफिसों के योग में स्थित संकुल कहते हैं। इस स्तर में संपूर्ण एक ही प्रकार की स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से अर्थात एक ही प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्धारण करते हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रेणी। समाज में प्रत्येक परिस्थिति प्रति लोग में आदर एवं शर्म की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। उसे उस परिस्थिति में प्रतिष्ठा कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से न होकर परिस्थिति से है। संबंध का संबंध किसी भी परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्तियों की कार्य कौशलता, दक्षता, विशेषता, क्षमता, कर्तव्य प्रायणता एवं सफलता है। समाज में पाए जाने वाले सम्मान प्रतिष्ठा वाले स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहते हैं। प्रतिष्ठित प्रतीक। कई बार परिस्थितियों को उनके प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये प्रतीक पोशाक, गृह, श्रृंगार साधन आदि का कोई भी भौतिक या सांस्कृतिक तत्व हो सकता है। मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरे परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी होती है। मुख्य परिस्थिति के आधार पर व्यक्तियों की वर्ग परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसका निर्धारण अलग अलग समाज में अलग अलग आधार पर है। परिस्थिति संबंध कई परिस्थितियों जोड़े के रूप में होती है, जैसे माता पिता। प्रत्येक परिस्थिति में जोड़े के साथ मानदंड भी जुड़े होते हैं। परिस्थिति संग्रह। जब एक व्यक्ति दो इस प्रकार परिस्थितियों में धारण किए हुए हैं होते हैं तो मानदंड परस्पर भिन्न होते हैं। एक के मानदंड का पालन करने पर दूसरे के मानदंड का अवज्ञा होती है। यह स्थिति परिस्थिति संघर्ष कहलाती है। अब देखो, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और अपने चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की क्लास चाहते हो तो सभी साथियों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप उनमें भी शेयर कीजिए। अब आगे बात करें परिस्थिति प्रतिमान। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियों की धारणा करता है। मेटन ने इस परिस्थिति प्रतिमा कहा है। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। सन 1936 में रॉल्फ लेटेन ने समाज में पाए जाने वाली परिस्थितियों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया है, प्रदित परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। यानी ये दो परिस्थितियां हैं। प्रदित परिस्थिति का अर्थ समाज में कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को स्वेत ही प्राप्त हो जाती है और प्रदित परिस्थितियां कहलाती है। यह परिस्थितियां समाज में पहले से ही विद्यमान होती है तथा विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। आधुनिक समाज की तुलना में आदिम एक परंपरागत समाज में पद्धति परिस्थितियों के अधिक पाई जाती है। निर्धारण आधार। पद्धति परिस्थिति निर्धारण की कुछ प्रमुख आधार है। बात करें लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषता तथा जाति एवं प्रजाति। यानी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जित परिस्थिति। अर्थ समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है। ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती है। इनके लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के आधार पर बात करें तो छह भाग होते हैं। संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह सत्ता, उपलब्धता, भूमिका का अर्थ तथा परिभाषाएं। भूमिका परिस्थिति की गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। इस परिस्थिति की धारण करने के कारण समाज इस प्रकार के कार्य की व्यक्ति की अपेक्षा करता है वह भूमिका कहलाती है। इलियट वे मेरियल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। प्रत्येक भूमिका महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। समाज एवं संस्कृति ही किसी भूमिका का संबंध अधिकारों एवं दायित्व को तय करता है। परिस्थितियों और भूमिका निर्वाह के बीच संतुलन वह सामंजस्य आवश्यक है। भूमिका की विशेषता। भूमिका का संबंध परिस्थिति से अपेक्षित व्यवहारों की संपूर्णता से है। भूमिका निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंड के आधार पर है। भूमिका सदैव दूसरे की प्रतिस्थितियों एवं भूमिकाओं का संदर्भ में भूमिकाएं भी प्रदित एवं अर्जित दो प्रकार की होती है। वो अपने पहले पढ़ लेता तो ये सारी बातें अपने पहले पढ़ रखी है।
अब ये भी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, पहले पटक है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं संस्था की, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। संस्था का अर्थ क्या होता है? संस्था मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में समाज द्वारा स्वीकृत नियमों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठन है। यानी ये बात आपको परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, ये परिभाषा आपको यहाँ से यहाँ तक याद करनी है। अब बात करें विशेषता इसकी कुछ है, यह आपको देखनी है, ये भी आपको याद करना है। अब संस्थाओं के प्रकार, आपने संस्थाओं के प्रमुखतः निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा है संस्थाएं अपनी 5 प्रकार से थी, सुपरिभाषित उद्देश्य, स्थायित्व, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक और परंपरा। ये अपनी महत्वपूर्ण संस्थाओं के नाम और इनकी ये विशेषताएं थी। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस प्रकार की वीडियो और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।